सो वेलकम टू द चैनल ऑफ उत्तक बायोलॉजी। आज हम कवर करेंगे हमारा टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि लास्ट लेक्चर में रह गया था। ठीक है, इसका पार्ट वन आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, जाइए और जाके देखिए। अब स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हम स्टार्ट करेंगे आज इनब्रीडिंग डिप्रेशन से। कहां से स्टार्ट करेंगे? इनब्रीडिंग डिप्रेशन से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन? तो कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन अगर हो रहा है, ऑटोगेमी सुना था ना, एक ही फ्लावर पे एंथर है, एक ही फ्लावर में स्टिग्मा है, फटाफट काम हो रहा है, एंथर से पोलिन आ रहे हैं, स्टिग्मा पे आ रहे हैं। तो अगर कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। क्या खत्म हो जाती है? फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो, इसको रोकने के लिए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए हम यूज करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या यूज करेंगे? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली में रोकना क्या है? एक्चुअली में हमें रोकना है सेल्फ पोलिनेशन। क्या रोकना है? सेल्फ पोलिनेशन रुकेगा तो फर्टिलिटी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन होता रहेगा तो फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। तो हमें ऑटोगेमी रोकनी है। ऑटोगेमी रोकनी है, कैसे रोकेंगे? मान लो एक फ्लावर में एंथर भी स्टिग्मा भी है, तो एक चीज हटा दो। एक चीज हटा दोगे तो क्या हो गया? वो यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल हो गया तो अब ये मान लो स्टिग्मा रह गया, तो पोलिन ग्रेन कहीं और से आएंगे ना। यूं तो नहीं है सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये बात क्लियर है? तो प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन? मतलब पोलन ग्रेन जब आए तो वो पिस्टल उसे हाँ एक्सेप्ट कर रही है या रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, कॉम्पेटिबल है या इनकॉम्पेटिबल है उसके साथ, वो डिसाइड होता है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये क्यों यूज हो रहा है? यूज फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। एनसीईआरटी लिखती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज यूज फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। नीट में भी पूछा गया था एक बार। ठीक है, ऑप्शन में था। इमेस्कुलेशन क्या होता है? एंथर को हटा दो, एंथर को काट दो। क्या बात कर रहे हो सर, उड़ा दे? हाँ बेटा, उड़ा दो, सपाट कर दो। इमेस्कुलेशन मतलब एंथर उड़ा दो। ठीक है, बैगिंग और टैगिंग, फीमेल पार्ट को कवर कर दो आप। ठीक है, मेटल पेपर से बना होता है जिससे हम करते हैं जनरली, तो फीमेल पार्ट को हम क्या कर देते हैं? कवर कर देते हैं। या फिर इमेस्कुलेशन में क्या करते हैं? एंथर उड़ा देते हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन रोक सके, फर्टिलिटी खत्म होने से रोक सके, बार बार सेल्फ पोलिनेशन होने से रोक सके। ये बात क्लियर है? चलो, ये बात समझ में आ गई सर, बैगिंग टैगिंग समझ में आ गई। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमेस्कुलेशन जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, पहले तो बेचारा यूनिसेक्सुअल है, मान लो यहाँ पे स्टिग्मा है ही नहीं, सिर्फ एंथर है, आप उसको भी जाके काट दोगे, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कोई इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं है, पहले ही तो यूनिसेक्सुअल है बेचारा, समझ रहे हो ना, उसका ही काट दोगे का तुम बेचारे का। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे अब। इसको मैं थोड़ा अलग से पढ़ाना चाह रहा था, पर ठीक है, अब देख लेते हैं साथ में। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये यूनिक इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट है। क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। हम यहाँ पे पूछते हैं बहुत सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या डेवलपमेंट होता है, तो ध्यान से सुन लेना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। क्या क्या होता है सर? एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट। ओव्यूल का जो है मैच्योरेशन होगा सीड में, ओवरी का होगा फ्रूट में। तो साइमल्टेनियसली मैच्योरेशन क्या क्या होगा? ओव्यूल का सीड में कन्वर्ट होना, ओवरी का फ्रूट में कन्वर्ट होना, और एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, ये सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। ये बात क्लियर है? अब देखो, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यहाँ पे डिवाइड होता है ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू में। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू में डिवाइड होता है, और ये ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू कुछ खाने को रखता है सर, फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये बात क्लियर है? तो एम्ब्रियो डेवलप एट माइक्रोपाइलर एंड वेयर जायगोट सिचुएटेड। मैंने कल बताया था एक चलाजल एंड बेसल पार्ट और एक माइक्रोपाइलर एंड ऊपर वाला। तो एम्ब्रियो कहां पर होता है? माइक्रोपाइलर एंड पर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जायगोट डिवाइड ओनली व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। देखो, एंडोस्पर्म क्या कर रहा है? फूड मटेरियल है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, और जब न्यूट्रिशन हमें मिलेगा तभी हम डिवाइड करना पसंद करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द जायगोट डिवाइड ओनली व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। ये बात क्लियर है? अब देखो, अब एम्ब्रियोजेनी, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने खुद ने यहाँ पे कर दिया था स्टडी, मैं भूल गया था एम्ब्रियोलॉजी और एम्ब्रियोजेनी। तो देखो, द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी नहीं, The early stage of embryo development is known as embryogeny. ठीक है, अब देखो, ये बात ध्यान रखना, अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, बिल्कुल आ सकता है। Zygote give rise to proembryo. ठीक है, proembryo से globular, globular से heart shape, फिर mature. क्या क्या हो रहा है? देखो, आगे आगे zygote याद रखोगे, zygote से pro बना, क्या बना? Probe layer बना, probe layer से फिर globular बना, कैसा बना? Globular बना, दिल सबके पास है, heart shape हुआ, और दिल आते ही सब mature हो गए। तो देखो,
तो ये सीरीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये पूरी सीरीज आपको याद रखनी है। अब देखो सीट क्या होता है, सीट होता है सीट कोट प्लस कोटाइलिडोन प्लस एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या क्या? सीट कोट प्लस कोटाइलिडोन प्लस एम्ब्रियोनल एक्सिस, दैट इज नोन एज सीट। सीट को हम बोल सकते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, क्योंकि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हो रहा था कि ओव्यूल जो है सीट में कन्वर्ट हो रहा था, तो ओव्यूल जब सीट में कन्वर्ट होगा तो उसको फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोलूंगा नहीं बोलूंगा, ठीक है। सीड को क्या बोल सकता हूँ? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। और किसी भी फ्रूट के अंदर होता है ना सीड, क्योंकि फॉर्म इनसाइड फ्रूट, बीज अंदर ही निकलता है ना, वो ये है, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म, अगर एंजियोस्पर्म की बात करूं तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड। तो सीड को हम कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? सीड कोट प्लस कोटाइलिडोन प्लस एम्ब्रियोनल एक्सिस, पहला तरीका फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म इनसाइड फ्रूट, दूसरा तरीका इन एंजियोस्पर्म फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा तरीका और बेसिस ऑफ अवर एग्रीकल्चर। कुछ भी उगाना हो तो क्या लगोगे? बीज। तो बेसिस ऑफ अवर एग्रीकल्चर, ठीक है, ये बात क्लियर है। सीड की बात हो गई। अब माइक्रोपाइल किसे कहते हैं? माइक्रोपाइल एक स्मॉल पोर होता है सीड कोट में। क्या होता है? माइक्रोपाइल एक स्मॉल पोर होता है सीड कोट में। मान लो सीड कोट है, इसमें ऊपर एक स्मॉल पोर है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? माइक्रोपाइल, जो कि वाटर और ऑक्सीजन के लिए रहता है। वाटर लेता है, ऑक्सीजन लेता है, इसलिए रहता है, ठीक है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जब वो ग्रोथ करता है बीज, ठीक है। When seed matured, जब सीड मैच्योर हो जाता है, देखो ये तो कब की बात है, जब वो इमेच्योर है, जर्मिनेट हो रहा है और वाटर पानी ले रहा है और जिस पोर से ले रहा है उस पोर को बोल रहे हैं माइक्रोपाइल, और कहां पर है? सीड कोट में, ठीक है। जब सीड मैच्योर हो जाता है तो वाटर रिड्यूस होता है 10-15%। ये डाटा याद रखना, रट के रखना बिल्कुल, कि 10-15% बाय मास जो है वाटर रिड्यूस हो जाता है जब सीड मैच्योर हो जाता है, ठीक है। और उसकी मेटाबोलाइज एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है? मेटाबोलाइज एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, 10-15% जो है वाटर रिड्यूस हो जाता है बाय मास, ये बात है। अब देखो, और उसको वो है एंटर हो जाता है डोरमेंस स्टेट में। डोरमेंस मतलब इनएक्टिविटी स्टेट, मतलब सोई हुई स्टेट बोलता है उसको, ठीक है। डोरमेंसी स्टेट में एंटर हो जाता है। तो सब सीड मैच्योर होता है, क्या क्या होता है, ये बात क्लियर, ये सब होता है, ठीक। अब वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू वॉल ऑफ फ्रूट। क्या होता है? वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू वॉल ऑफ फ्रूट, और वॉल ऑफ फ्रूट को हम बोलते हैं पेरिकार्प। फ्रूट की वॉल को क्या बोलेंगे? पेरिकार्प। तो वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू वॉल ऑफ फ्रूट, ठीक है। हार्ड सीड कोट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है यंग एम्ब्रियो को। सीड कोट, हार्ड सीड कोट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? यंग एम्ब्रियो को, ये बात क्लियर है। अब देखो, मान लो ये है एम्ब्रियो सेल, ठीक है। ये एम्ब्रियो सेल के चारों तरफ है न्यूक्लियर सेल। क्या है? न्यूक्लियर सेल। और न्यूक्लियर सेल डेवलप होती है एम्ब्रियो में। किसमें? एम्ब्रियो में, ये बात ध्यान रखना। ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियो, इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि ऐसा कौन से ओव्यूल है जो कि बहुत सारे एम्ब्रियो रखते हैं, मतलब पोली एम्ब्रियोनी की कंडीशन रखता है। उसका एग्जांपल है सिट्रस और मैंगो, ये बात ध्यान रखना। कितना ध्यान रखना? कि पोली एम्ब्रियोनी का एग्जांपल है सिट्रस और मैंगो। उसमें क्या होता है? ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियो, ठीक है। और हार्ड सीड कोट क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है यंग एम्ब्रियो को। तो दैट्स ऑल अबाउट योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो, कोई भी लाइन में दिक्कत हो मेरे को कमेंट करो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बहुत जल्द मैं इसकी एनसीईआरटी भी सोल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। दैट इज एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।